सो गाइस आज हम एक दुकान पर आए जिसका नाम है एसएस इन्फोटेक और आज हम यहाँ पर कवर करेंगे लैपटॉप। सारे लैपटॉप यहाँ पर दिखाएंगे, सस्ते सस्ते और महंगे से महंगे, और जानेंगे आकर इनमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन और उनकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। तो भैया क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल, तो भैया ये बताइए हमें, जो भी आप लैपटॉप दिखाने वाले हो, मतलब ये कितना चले होते हैं? भैया इनका कोई एक साल कोई दो साल ऐसे चले हुए होते हैं, सब कंपनी से आते हैं, इंपोर्ट का माल है। तो मतलब ये इंपोर्टेड है, मतलब कंपनी से आते हैं। तो भैया एक चीज़ और बता दो, कंडीशन कैसे रहने वाली है इनकी? कंडीशन इंपोर्ट मिलेगी भैया, कहीं से फिजिकल डैमेज नहीं होगा। अच्छा, मतलब कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होगा। और अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर, जैसे आप तो खैर दिल्ली में हो, अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा दूर का है, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, वो अगर आपसे मंगवाना चाहे तो कैसे मतलब मंगवा सकता है? कोरियर हो जाएगा भैया। तो कोरियर हो जाएगा, तो मतलब अगर वो पेमेंट पहले करे आपको, तो मतलब पेमेंट मेथड क्या होने वाले आपके पास? किसी भी चीज़ से। तो मतलब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बैंकिंग, नेट बैंकिंग सब चीज़ हो जाएंगे आपके पास? बिल्कुल। अच्छा, तो और भैया एक चीज़ और बता दीजिए, मतलब जो प्राइसिंग आप बताओगे वो वीडियो में वो फिक्स रहेंगी या फिर ऊपर नीचे भी होती रहती है? फिक्स रहेंगी। फिक्स रहेंगी। चलो गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्राइसिंग वीडियो में देखने को मिलेंगी उसी प्राइसिंग में आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। और जो शॉप पे आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये इनका एड्रेस है और नंबर है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हो सके तो जो ये शॉप है ना इसका रियल लाइव लोकेशन में डाल दूंगा अगर कोई शॉप पर विजिट करना चाहे तो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, करें भैया। सो गाइस पहले इनके पास लैपटॉप एचपी का, तो चलिए भैया इसे दिखाते हैं। गाइस देख सकते हो ऐसा लैपटॉप है। और भैया इसमें क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए। इसमें आपका 4GB रैम होगी, 4GB रैम, 250GB RTX होगी। और प्रोसेसर कौन सा दिया है इसमें? i5 प्रोसेसर होगा। सो i5 कौन से जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन i5 और 4GB रैम और 250GB हार्ड डिस्क। तो प्राइस क्या होने वाली भैया? 4500 गाइस इस लैपटॉप की रहने वाली है। और गाइस देख सकते हो मतलब कहीं से कोई ऐसा डैमेज भी नहीं है, ठीक है। और देखो भाई 360 है ये, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है कोई अगर इसे टैब की तरह यूज़ करना चाहे तो। भैया टच है ये या नॉर्मल है? नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है, ओके। तो गाइस प्राइसिंग ये बता दी भैया ने, अब बढ़ते ये। तो भैया ये कौन सी कंपनी का है? ये HP कॉम्पैक्ट। तो गाइस देख सकते हो कंडीशन आप, और इसमें प्रोसेसर है कोर 2 डियो। तो भैया इसमें मतलब रैम कितनी है? इसमें 2GB रैम है। तो 2GB रैम है और इंटरनल 160GB इसमें इंटरनल है। और क्या प्राइस रहने वाली भैया इस लैपटॉप की? इसके 7000 रुपये का। देख लीजिए कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मैं आपको थोड़ा पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो देख लो भैया कोई भी डैमेज वैमेज नहीं है कहीं से भी, ठीक है। तो 7000 रुपये इसकी रहने वाली है। और भैया जो मतलब जैसे मान लीजिए टेस्टिंग वारंटी कुछ रहेगी इनकी? कुछ 1 मंथ की टेस्टिंग वारंटी रहेगी। अगर 1 मंथ में मतलब कुछ भी होता है तो मतलब क्या होगा? स्क्रीन छोड़ के पूरे लैपटॉप की वारंटी होगी। तो मतलब अगर कोई भी हार्ड डिस्क रैम में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप देख लोगे, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस फिर आते हैं यहाँ पर एचपी के लैपटॉप पे। तो गाइस देख लीजिए एचपी का ये लैपटॉप है। एंड भैया इसमें स्पेसिफिकेशन बताइए कितनी जीबी रैम है इसमें? इसमें होगी आपके 4GB रैम होगी, 320GB हार्ड ड्राइव होगी, i5 फर्स्ट जनरेशन, 320GB हार्ड डिस्क होने वाली, 4GB रैम होने वाली है, और i5 कौन सा जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। इसकी क्या प्राइस है? इसकी पड़ेगी 11000 रुपये। तो 11000 रुपये कंडीशन गाइस आप देख सकते हो HP का है, काफ़ी नामी ब्रांड है। और कंडीशन आप देख लो गाइस, जितने भी लैपटॉप है ना काफ़ी अच्छी कंडीशन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़ते अगले लैपटॉप की तरफ। सो गाइस अब ये दूसरा लैपटॉप है। तो भैया ये कौन सी कंपनी का है? तो गाइस देख लो डेल कंपनी का होने वाला है। और इसमें जैसे आप देख सकते हो i5 इसमें प्रोसेसर है। तो और कंडीशन गाइस आप देख लो कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो भैया इसमें स्पेसिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है? 4GB रैम है, 320GB हार्ड डिस्क है। 4GB रैम है, 320GB हार्ड डिस्क है। और ये प्रोसेसर जो i5 है कौन सी जनरेशन का है? ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन का रहने वाला है। और भैया क्या प्राइसिंग रहने वाली है इसकी? इसकी होगी 11500। तो 11500 की इसकी रहने वाली है, ठीक है। तो भैया फिर इसके बाद कौन सा? ये भी डेल है। तो भैया फिर इसमें स्पेसिफिकेशन क्या क्या है? तो थोड़ा मिनी रहने वाला है, थोड़ा सा देख लो, वो थोड़ा लार्ज है, ये थोड़ा मिनी है। अच्छा लाइट वेट में है, मतलब काफ़ी हल्का। हाँ गाइस दिख भी रहा है। बाकी भैया स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, इंटरनल कितनी है? 4GB रैम है। 4GB रैम और इंटरनल 320GB हार्ड डिस्क है। 320GB हार्ड डिस्क सेकंड जनरेशन है। अच्छा इसमें कौन सा प्रोसेसर है? i5 सेकंड जनरेशन में होने वाला है। प्राइस क्या है भैया इसकी? इसकी प्राइस होगी आपकी
12,500 तो 12,500 होने वाली i5 सेकंड जनरेशन में ही होने वाला है। ठीक है तो भैया फिर ये कौन सी कंपनी का है? Lenovo ThinkPad। तो भैया फिर इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है? इसमें आपके 4GB RAM 320GB हार्ड डिस्क है। 4GB RAM 320GB हार्ड डिस्क। और प्रोसेसर i5 थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन रहने वाला है, सेकंड था, ये थर्ड है। इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है? इसकी हो गई है 13,500। 13,500 रुपये रहने वाली है। ठीक है और ये डेल। तो आई फाइव कौन सा जनरेशन? थर्ड जनरेशन। ठीक है और 4GB RAM 320GB हार्ड डिस्क। प्राइस क्या रहने वाली है इसकी? इसका होगा आपका 14,000। अच्छा 14,000 रहने वाले का। बाकी कंडीशन में एक बार और दिखा देता हूँ। देखो कंडीशन काफ़ी अच्छे, कहीं से भी कोई भी लैपटॉप डैमेज नहीं है, पूरा नीचे से ऊपर तक देख सकते हो। ठीक है और भैया इनमें मतलब किसी में भी लैपटॉप कोई बैटरी की शिकायत तो नहीं आएगी कि बैकअप कम दे रही है ऐसा कुछ? हमारे यहाँ से एक घंटा प्लस की वारंटी होती है, तो मतलब कोई चलती है सभी में, ज़्यादातर नई बैटरी पड़ेगी। अच्छा मतलब ज़्यादातर लैपटॉपों में नई बैटरी है और एक घंटे की तो गारंटी, एक घंटे से ऊपर चलेगी वरना एवरेज 2 घंटे तो चलती चलेगी आपके पास। ठीक है तो अगला भैया कौन सा? HP का लैपटॉप, HP Nomadic। ओके तो भैया ये इसकी स्पेसिफिकेशन बता दो। 4GB RAM 320GB हार्ड डिस्क और प्रोसेसर i5 थर्ड जनरेशन Nomadic की है। 15.6 स्क्रीन इसकी। अच्छा तो मतलब थोड़ा लार्ज होने वाला है। तो भैया इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है? इसकी प्राइस होगी आपकी 17,000 को होने वाला है, देख लीजिए। ठीक है और फिर आते हैं इस पर, ये भी शायद Lenovo का है। तो भैया इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बता दो आप। ये i7 है। i7 कौन सा जनरेशन? सेकंड जनरेशन i7। तो ठीक है रैम 4GB रैम है और इंटरनल 320GB। तो भैया अगर जैसे यहाँ से आपने काफ़ी सारे लैपटॉप दिखाए, अगर किसी में कोई हमारा सब्सक्राइबर रैम बढ़वाना चाहे तो मतलब बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर किसी में जैसे 4 आपने बताई अगर उसे 8 करवानी हो तो मतलब हो जाएगी। बस थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है तो अगर मतलब कोई भी अगर बढ़वा आता है 4GB रैम तो मतलब कितना देना पड़ेगा? अच्छा 700। ठीक है तो गाइस देख लो बाकी अपने हिसाब से, अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहो। बाकी स्टोरेज का भी सीन हो जाएगा ना? मतलब हो जाएगा। ठीक है बाकी ये भैया ये और बता दीजिए ये कौन सा है? ये HP का। ठीक है इसमें i5 जनरेशन 4th जनरेशन i5 में 500GB हार्ड डिस्क मिलने वाली है और 4GB रैम है। और गाइस बढ़वाना चाहो तो बढ़वा भी सकते हो। ठीक है और भैया प्राइस क्या होने वाली है इसकी? इसकी 17,000। और गाइस देख लो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छा लैपटॉप गाइस। और इसकी आप देख सकते हो मतलब कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कोई इसका पेंट वेंट भी नहीं छुटा हुआ गाइस, देख सकते हो यहाँ से कहीं से कहीं पर भी डैमेज नहीं है। ठीक है तो भैया के पास वैसे बहुत सारा लैपटॉप है लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ पीस आपको दिखाया जिससे आपको एक अंदाज़ा हो सके कि प्राइसिंग क्या क्या है। और भैया का यहाँ पर नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस शॉप का एड्रेस भी डाल दूंगा अगर कोई यहाँ पर विजिट करना चाहे एड्रेस, और हो सके तो रियल एप्लीकेशन दे दूंगा। और भैया प्राइसिंग फिक्स होने वाले हैं ना? मतलब अच्छा तो अगर कोई भी मतलब 2-3 महीने बाद अगर कॉल करता है तो प्राइसिंग यही मिलेंगी ये। तो गाइज देख लो कितनी अच्छी बात है। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू भैया।